हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं। लास्ट लेक्चर में बात की थी आधुनिक भारत की राजनीतिक और राष्ट्रवादी संस्थाओं के बारे में। आज बात करेंगे हम लोग ब्रिटिशकालीन समितियों के बारे में। ब्रिटिशकालीन समितियां, ये आयोग या समितियां हो गई, ये अध्यक्ष हो गए, इनके स्थापना वर्ष हो गया, वायसराय, और इनके उद्देश्य। इनाम आयोग, इसके अध्यक्ष थे इनाम। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1852 में। वायसराय कौन था इस समय? लॉर्ड डलहौजी। किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी? भूस्वामियों की उपाधियों की जांच करने के लिए आपकी इनाम आयोग की स्थापना की गई थी। फिर आपका स्ट्रैची आयोग, इसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्टैची। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1878 ईस्वी में। इस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड लिटन। और किस उद्देश्य से आपकी स्टैची आयोग की स्थापना की गई थी? अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए। फिर आया आपका हंटर आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। कब इसकी स्थापना की गई? 1882 में। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। और किस उद्देश्य से हंटर आयोग की स्थापना की गई थी? इसका उद्देश्य था शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन के लिए, ठीक है। फिर है आपकी हर्सेल समिति, कौन थे इसके अध्यक्ष? हर्सेल। स्थापना कब हुई? 1893 में। कौन था इस समय वायसराय? लॉर्ड लैंसडाउन। किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए, ठीक है। हर्सेल समिति की स्थापना टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए की गई थी। फिर है आपका लियाल आयोग, इसके अध्यक्ष थे जेम्स लियाल, और इसकी स्थापना की गई थी 1897 में। इस समय आपके वायसराय थे लॉर्ड एल्गिन। इसका मुख्य उद्देश्य था 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर है आपका मैकडो नल आयोग, इसके अध्यक्ष थे सर एंटोनी मैकडोनल। इसकी स्थापना की गई थी 1900 ईस्वी में। इस समय आपके वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। और मैकडोनल आयोग का उद्देश्य था मुख्य दुर्भिक्ष पर स्टैची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए। फिर आपकी मॉनक्रीप आयोग, इसके अध्यक्ष थे सर बॉलविन स्टॉक मॉनक्रीप। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। इस समय आपके वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसका मुख्य उद्देश्य था सिंचाई व्यय की योजना बनाने के लिए। फिर आया आपका फेजर आयोग, इसके अध्यक्ष थे फेजर आयोग की सर डब्ल्यू फेजर। इसकी स्थापना हुई 1902 में। कौन था इस समय वायसराय? लॉर्ड कर्जन। इसका मुख्य उद्देश्य था फेजर आयोग का पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना। फिर आया आपका रिले आयोग, रिले आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रिले। इसकी स्थापना हुई 1902 में। रिले आयोग के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय से संबंधित थी ये रिले आयोग। फिर आया आपका सेडलर आयोग, सेडलर आयोग के अध्यक्ष थे माइकल सेडलर। इसकी स्थापना 1917 में हुई। इस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सेडलर आयोग की जब स्थापना हुई तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सेडलर आयोग का मुख्य उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली और उसके दोषों की जांच करने के लिए गठित की गई थी आपका सेडलर आयोग। फिर आपका शाही आयोग, शाही आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड ली। शाही आयोग की स्थापना हुई 1923 में। शाही आयोग की स्थापना के समय वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। और शाही आयोग
का उद्देश्य था नागरिक सेवा से संबंधित थी। फिर है आपका स्किन समिति, भारतीय सैंडहर्स्ट समिति भी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू स्किन। 1925 में इसकी स्थापना हुई। लॉर्ड रीडिंग इस समय आपके वायसराय थे। भारतीय सेना का भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव के लिए आपकी ये समिति बनाई गई थी। फिर आपका बटलर समिति, बटलर समिति के अध्यक्ष थे हरकोर्ट बटलर। 1927 में इसकी स्थापना हुई और बटलर समिति की स्थापना के समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। इसका संबंध था ब्रिटिश परम सत्ता और देसी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से गठित की गई थी बटलर समिति। फिर आया आपका बेटले आयोग, इसके अध्यक्ष थे जे एच बेटले। इसकी स्थापना हुई 1928 में। इस समय आपका वायसराय था लॉर्ड इरविन। इसका मुख्य उद्देश्य था सैनिकों की स्थिति का अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपका लैंडसे आयोग, इसके अध्यक्ष थे ए डी लैंडसे। 1929 में इसकी स्थापना हुई। इस समय आपका वायसराय था लॉर्ड इरविन। इसका मुख्य उद्देश्य था मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपका सतपुरु समिति, इसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सतपुरु। 1934 में इसकी स्थापना की गई। लॉर्ड बिलिंगटन इस समय वायसराय थे। इसका मुख्य उद्देश्य था संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर आपका बोर्ड हेड आयोग, दुर्भिक्ष जांच आयोग भी बोलते हैं इसे, इसके अध्यक्ष थे आपके सर जॉन बोर्डहेड। 1943-44 में इसकी स्थापना की गई। लॉर्ड बेविल इस समय आपके वायसराय थे। बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये थी आपकी जो ब्रिटिशकालीन समितियाँ थी उनके बारे में। आगे हम बात करेंगे क्रांतिकारियों पर हुए मुकदमों के बारे में। जो क्रांतिकारियों पर मुकदमे चले उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है।